यूपी के शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने पति और सास ससुर को चाय में नींद की गोली देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसने घर में रखे हुए सोने चांदी के जेवर और नकदी को लेकर अपने प्रेमी के साथ फुर हो गई। लेकिन चार दिन बाद महिला और उसके प्रेमी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। फिलहाल पुलिस ने महिला को उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर ये प्लान बनाया था और घर में रखे जेवर और नकदी को लेकर फरार हो गए थे। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और 42,450 रुपए भी बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसका नाम शोभा है, अपने प्रेमी एहसान के साथ में अपने परिवार वालों को चाय में कुछ नशे का पदार्थ खिलाकर सबको बेहोश कर दिया था। उसके बाद घर में रखे जेवरात और नकदी लगभग 50,000 लेकर चली गई थी। पुलिस में इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसका मुकदमा संख्या है 655/22। पुलिस के द्वारा इसमें एक टीम गठित करी गई है, जिसके द्वारा इसमें बरामदी कर दी गई है। दोनों में एक महिला जिसका नाम था शोभा और उसका प्रेमी एहसान, दोनों पकड़ लिए गए हैं। उनके पास से जो आभूषण बरामद कर लिए गए हैं और जो नकदी थी 42,450 उसको बरामद किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।